नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खलीफाबाग चौक के पास सोमवार की मध्यरात्रि एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि बीती देर रात रेस्टोरेंट में बिरयानी फ्राई करने के दौरान रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिससे एक सिलेंडर में गैस लीक शुरू हो गया और देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। वहीं इसके बाद रेस्टोरेंट में रखे चार सिलेंडरों में एक एक कर ब्लास्ट होने लगा, जिससे स्थिति भयावह हो गई और इमारत आग की लपटों में घिर गया। इधर इस घटना में किसी के जान या माल की क्षति नहीं हुई है, जबकि घटना से प्रभावित हुए मोबाइल शॉप के मालिक का कहना है कि देर रात उन्हें घटना की जानकारी मिली थी और इस घटना में उन्हें भी लाखों की क्षति हुई है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि इस आगजनी में रेस्टोरेंट समेत मोबाइल दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका फिलहाल आकलन किया जा रहा है। ये आग बगल में एक दो दिन पहले एक शॉप का ओपनिंग हुआ, चंपारण मीट हाउस और अरसलान टू, उसी में दो दिन से यहाँ पे तंदूर भी बाहर में जलाता था, वो अपना मटका वाला चिकन बनाता था। हम लोग उन लोगों को मना भी करते थे कि यहाँ पे आग उग मत लगाइए। तो रात में 3 बजे मेरे घर में कुछ लोग आए, चिल्ला रहे थे कि आग लग गया, आग लग गया। तो हमने बाहर निकला घर से, तो यहाँ जब स्पॉट पर आए तो पता चला कि बगल वाले शॉप में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है चार, और उसी के कारण ये मेरा मोबाइल का स्टोर इसमें ही पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। बाहर का जितना ब्रांडिंग है सब जल गया, एसी मेरे शॉप का जल गया, स्टॉक का नुकसान हुआ, लगभग 6 से 7 लाख का नुकसान हो गया। नवगछिया अनुमंडल कारा के एक विचाराधीन बंदी ने व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद लौटते वक्त अपने मलद्वार में मोबाइल और चार्जर केबल छिपा कर उपकारा में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद जेल के वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर अनुमंडलीय अस्पताल में बंदी का एक्सरे करवाया गया, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। जांच के दौरान बंदी के मलाशय में मोबाइल और चार्जर का केबल दिखा। वहीं इसके बाद चिकित्सकों के प्रयास से बंदी को शौच करवाकर मोबाइल और चार्जर का 2 केबल बाहर निकाला गया। विचाराधीन बंदी नवगछिया थाना क्षेत्र के महदतपुर का रहने वाला रहीम आलम है, जो रकम लेन देन के मामले में करीब 6 माह से अनुमंडल कारा में बंद है। बताया जा रहा है कि सोमवार को रहीम को पेशी के लिए दोपहर करीब 12 बजे अनुमंडल कारा से नवगछिया न्यायालय लाया गया था, जहां कुछ देर के लिए उसे कोर्ट हाजत में भी रखा गया था। वहीं शाम के समय पुनः जेल में प्रवेश करने के दौरान जेल गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर से इसका खुलासा हुआ। वहीं इसको लेकर कैदी रहीम ने बताया कि हाजत में मोबाइल और चार्जर उसने लावारिस अवस्था में देखा तो खा लिया था, जिसके कारण तीनों सामान मलाशय में फंसा हुआ था। इधर चिकित्सकों ने बताया कि संभावना है कि मलद्वार के रास्ते से ही सामानों को मलाशय तक पहुंचाया गया होगा, क्योंकि मुख्य रास्ते सामान मलाशय तक आने में काफी वक्त लगता है। भागलपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को भागलपुर मेडिकल कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें आगामी 3 से 5 मार्च तक चलने वाले बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 49वें अधिवेशन को लेकर जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, भागलपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन चटर्जी और आयोजन सचिव डॉक्टर अमिताभ कुमार सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि हड्डी के विशेष चिकित्सकों का यह सम्मेलन बच्चों, महिलाओं और युवाओं के साथ बुजुर्ग लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें हड्डी रोग से जुड़े अलग अलग समस्याओं के साथ बुजुर्गों के इलाज की तकनीक पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए नए शोध होते रहते हैं, जिसके कारण कम खर्च और कम खतरे में भी बुजुर्गों का इलाज कर उन्हें बेहतर जिंदगी दी जा सकती है। इसके अलावा किसी प्रकार की दुर्घटना से होने वाली समस्या का भी इलाज सुलभ हो सके, इसको ध्यान में रखकर डॉक्टरों द्वारा नई विधाओं की जानकारी साझा की जाएगी। अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों और अस्पतालों से नामी गिरामी हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनके द्वारा वर्कशॉप में हड्डी रोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में CME के अलावा 2 वर्कशॉप आयोजित होगा, जिसे बाहर से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक संबोधित करेंगे। वहीं डॉक्टर अमिताभ कुमार सिंह ने बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 3 दिवसीय अधिवेशन की तैयारी से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से हड्डी रोग के इलाज से संबंधित बातों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जबकि बिहार समेत देश भर के अलग अलग जिलों से आने वाले हड्डी रोग विशेषज्ञ नई तकनीक से इलाज की जानकारी साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम न केवल डॉक्टरों और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि आम लोगों को भी आने वाले दिनों में इससे काफी लाभ मिलेगा। डॉक्टर
डॉक्टर अमिताभ कुमार ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, हल्द्वानी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के अलग जगहों से डॉक्टर आ रहे हैं, जिसमें 2 महिला ऑर्थोपेडिक चिकित्सक भी शामिल हैं। इस बार का हम लोग का जो थीम है वो जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स है। जैसे जैसे स्वास्थ्य में नई नई विधाएँ आ रही हैं और नए नए उपचार आ रहे हैं, तो लोगों की जीवन शैली बदल रही है और लोगों का जो उम्र की जो है वो बढ़ती जा रही है। आज एवरेज एज जो है भारतीय नागरिक का वो करीब करीब 70-75 साल है। तो इस जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं, और ख़ासकर ऑर्थोपेडिक्स में, जेरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स आज के डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने जा रहा है। क्योंकि हमारे हम लोग अब यहाँ भी हॉस्पिटल में भी देखते हैं, अपने प्राइवेट में भी देखते हैं कि बुजुर्ग लोग जो गिर के आते हैं, उनकी हड्डियाँ जो टूटती हैं, उनका इलाज और उनका करना वो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है कि उनके लिए अलग तरीका का करना पड़ता है। उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, उनके फिक्सेशन का तरीका अलग होता है, उनके अदर सिस्टम्स जो हैं वो मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज आती है। तो ऐसे लोगों के इलाज के पर ही हम लोगों के लिए इस बार विशेष परिचर्चा रखें। इसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। साहित्य, संस्कृति और उद्योग की भूमि भागलपुर के पिछड़ेपन पर परिचर्चा को लेकर आगामी 1 मार्च को भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विभाग 2025 मंच की ओर से बिहार के पिछड़ेपन को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसको लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसे विजन बिहार के संस्थापक सदस्य यशवंत सिंह, विनोद सम्राट और डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिंह ने कहा कि यह संगठन गैर राजनीतिक है, जबकि इसके मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री पायलट, वरिष्ठ अधिवक्ता और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी होंगे। उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो बिहार हर क्षेत्र में देश दुनिया को दिशा दिखाने वाला रहा है, उसकी यह हालत काफ़ी दुखद है और इसे बदलने के लिए हम सभी को सकारात्मक प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके अलावा विनोद सम्राट और डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि भागलपुर की पहचान सिल्क सिटी के रूप में है, लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ का व्यवसाय भी पिछड़ेपन का शिकार हो गया है। शिक्षा, कृषि हो या उद्योग धंधा, हर क्षेत्र में बिहार का विकास प्रभावित हुआ है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजी रोटी के लिए बिहार से पलायन आम बात हो गई है। मौके पर कमलेश सिंह, रोशन सिंह, प्रशांत विक्रम समेत कई लोग मौजूद रहे। हम आंध्र प्रदेशवासी इस तरह के मंच का स्वागत करते हैं जो बिहार की चिंता करती है और चिंता के साथ साथ चिंतन करती है। सिर्फ चिंता से कुछ नहीं होता है, चिंतन करने से ही समाधान निकलता है। और इस तरह के सारे संगठन जो भी बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई सोच दिखाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, उन सारे संस्थाओं का और विभाग का भी हम लोग स्वागत करते हैं। और आंध्र प्रदेश में छात्रों से खास करके आह्वान करता हूँ कि छात्र ये हैं जो इसको समझकर इसको अपना सकते हैं और भविष्य बिहार का उज्ज्वल बना सकते हैं। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित ट्रायसम भवन के सभागार में पंचायत समिति की बैठक प्रमुख रश्मि कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक कुछ घंटों तक चली, जिसके उपरांत पदाधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने से पंचायत समिति सदस्य बैठक का बहिष्कार करते हुए सभी बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही वे पदाधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने लगे। उसके बाद सभी पंचायत समिति सदस्य प्रखंड कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए। इस धरना कार्यक्रम में प्रमुख रश्मि कुमारी, उपप्रमुख अंजू सिन्हा, पंचायत समिति सदस्य मंटू रजक समेत कई लोग मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।